For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हसन है और मेरा ताल्लुक लिवर ट्रांसप्लांट और हेपेटोबिलरी सर्जरी के साथ है। हम पाकिस्तान में पिछले 7-8 साल से लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और अब लिवर ट्रांसप्लांट और हेपेटोबिलरी सर्जरी एक एस्टेब्लिश्ड स्पेशलिटी है पाकिस्तान में। हम लोगों ने ये काम फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में शुरू किया और बाहर के सर्जन्स के साथ हम लोग ट्रेन हुए और अब कामयाबी के साथ ये प्रोसीजर पाकिस्तान में किया जा रहा है, जिसके बहुत एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स हैं जो कि पूरी दुनिया के साथ कंपेरेबल हैं। पहली बात तो ये है कि किन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। लिवर ट्रांसप्लांट उन लोगों को ज़रूरत होती है जिनका जिगर 80% से ज़्यादा ख़राब हो चुका हो, या आप कहें कि उसमें बिगाड़ पैदा हो चुका हो और वो बॉडी की जो मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं उनको पूरा ना कर सकता हो। इसकी निशानियां ये होती हैं कि पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, काले लुक जैसे पखाने आने शुरू हो जाते हैं, पेट फूलना शुरू हो जाता है, कब्ज की शिकायत रहती है और कई दफ़ा बेहोशी और गनूदगी तारी होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ यरकान हो भी सकता है और कई दफ़ा यरकान नहीं भी होता। जब ये अलामत आनी शुरू हो जाती हैं तो इसको कहा जाता है एंड स्टेज लिवर डिज़ीज़। और एंड स्टेज लिवर डिज़ीज़ उसका एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर हम पेशेंट को नापते हैं, पनपते हैं और उसकी बुनियाद पे ये फैसला करते हैं कि मरीज़ का लिवर ट्रांसप्लांट अब होना चाहिए। अब लिवर ट्रांसप्लांट होने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो जिगर जो मरीज़ के लिए अवेलेबल हो, मतलब ऑर्गन डोनर अवेलेबल होना, या जिगर जो कि किसी ऐसे शख्स का जिसकी किसी हादसे में मौत हो चुकी हो या उसको ब्रेन डेड हो गया हो उसका जिगर लग सके, इसको कैडावर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कैडावर लिविंग ट्रांसप्लांट का कॉन्सेप्ट अभी तक मैच्योर नहीं हुआ और कैडावर लिवर ट्रांसप्लांट अभी एक ख्वाब है, जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट एक ख्वाब था आज से 7-8 साल पहले। तो उस पर भी काम हो रहा है लेकिन अभी तक ये सिस्टम जो है ये मैच्योर नहीं हुआ। तो हमारे पास जो इंडिया और पाकिस्तान में और चाइना में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, या आप कहें कि फार ईस्ट और साउथ एशिया के इलाकों में जो ज़्यादा पॉपुलर प्रोसीजर है वो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट है और यही एक्सपर्टीज़ इस रीजन की भी है जो कि डोनर के मसले को हल करता है। जो शख्स डोनर हो सकता है वो आपका रिश्तेदार होगा और उसको ब्लड रिलेटिव कहते हैं, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव, जिसमें बहन, भाई, बाप, बेटा, बेटी, भांजा, भतीजा, चचाजाद, मामूजाद, तायाजाद, ये लोग शामिल हो सकते हैं। और उसको हम जो डोनर है उसको हमने देखना होता है उसकी उम्र 18 से 40-45 साल के दरमियान हो और वो एक मॉडरेट जिसामत रखने वाला शख्स हो और उसको कोई और बीमारी लाहक ना हो, वो अपना जिगर आधा डोनेट कर सकता है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक महंगा प्रोसीजर है और इसमें काफ़ी लागत आती है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये 30 से 35 लाख रुपए तक में हो जाता है और प्राइवेट सेक्टर में इसकी कीमत तकरीबन 55 से 65 लाख तक है। लिवर ट्रांसप्लांट से मुतालिक बहुत सी कयास आराइयाँ मौजूद हैं जो कि लोगों को मिसगाइड करती हैं और बहुत से ऐसे डॉक्टर जो इस वक्त मार्केट में बहुत से रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो हैं उनको पता नहीं है कि इस स्पेशलिटी में किस तरह काम होता है और किसी ना किसी तौर पे वो लोगों को मिसगाइड भी करते हैं, कि मिसगाइड कर जाते हैं, ये जान के करते हैं, वैसे उनको नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का। तो इस वजह से पेशेंट्स जो हैं, क्योंकि बहुत थोड़ी सी जगहों पर हो रहा है और बहुत कम लोग हैं जो इसमें ट्रेंड हैं, तो लोगों को इसमें राबता करना डॉक्टर के साथ और सही इन्फॉर्मेशन तक रिसाई बड़ी मुश्किल है।
तो इसमें मशवरा यही है कि जो डेजिग्नेटेड लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त दो ही हैं, एक शेख जायद हॉस्पिटल और एक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वहाँ पे जाएं और अपने आप को रजिस्टर कराएं और ख़ाली वहाँ से इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो लें, ठीक है। या डेजिग्नेटेड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन जो है और या हेपेटोलॉजिस्ट जो है उससे वो इंफॉर्मेशन लें, आम डॉक्टर के पास इससे मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ों को पता हो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि डोनर कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। डोनर पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक सिर्फ वो होगा जो आपका अजीज़ या खूनी रिश्तेदार होगा, इससे बाहर कोई डोनर अवेलेबल नहीं हो सकता, ना ही इसकी कोशिश करनी चाहिए, ना ही इसके पीछे डाउट्स के पीछे लग के खुद मिसगाइड होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं वो लोगों को फ्रॉड की तरफ ही ले जाते हैं और वो चीज़ कभी भी कामयाब नहीं होती, वो हो ही नहीं सकती। इसलिए अपने आप को इस तरह के लोगों से दूर रखें और डेजिग्नेटेड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन और हेपेटोलॉजिस्ट के साथ, जो कि इन दो सेंटर्स में है, उनसे डायरेक्ट रब्ता करें। अब हम बात करेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स किस तरह के हैं। लिवर ट्रांसप्लांट, जो लिविंग रिलेटेड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, ये एक बड़ी सर्जरी है और ये सिर्फ उन लोगों को ऑफ़र की जाती है जिनकी ज़िंदगी अब नए जिगर के बग़ैर पॉसिबल नहीं रहती। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो अपनी बीमारी जिसमें उनका जिगर फेल हो चुका है, उनमें ये वो लोग होते हैं जो कि एक साल के अंदर 60% जिनकी अमवात हो जाती है, दो साल के अंदर तकरीबन 80-90% तक लोगों की अमवात हो जाती है और तीन साल से आगे तक 99% लोगों की डेथ हो जाती है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ऑफ़र किया जाता है जिन लोगों की ज़िंदगी अब मुमकिन ना रही हो नए जिगर के अलावा। अब जो लोग इस प्रोसीजर से गुज़रते हैं उनमें 90% लोगों की ज़िंदगी तो बेहतर हो जाती है, लेकिन 10% लोग, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के फौरी बाद उनकी डेथ हो जाती है। पूरी दुनिया में ये एक्सेप्टेबल मॉर्टेलिटी रेट है कि अगर 100 मरीज़ों का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनमें से 10 की डेथ हो सकती है। इसके अलावा इतनी बड़ी सर्जरी के बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आ सकती हैं और तकरीबन 20-30% मरीज़ों को कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और उनका इलाज भी किया जाता है, जिससे उसकी कॉस्ट में ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और पेशेंट को ज़्यादा जो है उस पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि ये नहीं होता कि जी आप जिगर ट्रांसप्लांट करवाएं और उसके बाद आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जैसे बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान गुजारता है, ऐसे नहीं है। जो लोग लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं उनको ताहयात मेडिसिंस लेनी पड़ती हैं जो कि खासी महंगी अद्वियात होती हैं, जिनके बगैर जिगर का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो लोग जो उन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये अगर कोई बंदा अपना बंदोबस्त कर लेता है 30-35 लाख रुपए का और बाद में वो महीने का तकरीबन 25 से 50 हज़ार रुपये तक का ख़र्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग बाद में जिगर को बचा के रखने वाली दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो और वो रेगुलरली महीने का 25-30-35-40 हज़ार रुपये तक अफोर्ड कर सकते हो, उन्हीं को लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। उसके बाद ऐसे लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर भी होती हैं, जैसे कि उनके रहने के और सफाई के बहुत से ख्याल रखने पड़ते हैं और ऐसे मरीज़ हर को जो है
किसी बीमार शख्स और ऐसी जगह जहाँ पे बीमारियाँ हों, जिस तरह के हमारे गांव और देही इलाकों की हालात हैं, वो वहाँ नहीं रह सकते, इसलिए उनको एक साफ़ सुथरे इलाके में रहना पड़ता है। तो उसकी वजह से ये भी देखना पड़ता है कि शायद ऐसे मरीज़ों को जहाँ वो रह रहे हों उस जगह से शिफ्ट करना पड़ जाए। अगर आपको लिवर ट्रांसप्लांट या हेपेटोबिलरी सर्जरी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो और आप अपना इलाज करवाना चाहते हो, तो आप मरहम के थ्रू मुझसे या किसी भी और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन से रابطہ कर सकते हैं।